मेरा बेटा अमरजीत सिंह इंदर सिंह मर जाए, हम अमरजीत सिंह को नई हत्या करवा रहे। क्रिया भले क्रिया तो झूठो लाए सासो लाए के रखलक ये क्रिया। सुन तू संपत्ति के लालच में अमरजीत सिंह को हत्या किया। तू क्रिया खाल न कहे छी हमें क्रिया खाल बद विश्वास भ जतो न पुनः विश्वास होगा। हां विश्वास हो जाए क्रिया भोर छे अखरी दिन बदर छे रोदो उगे वाला छे किरिन उगले के। हां पर रोदा के देखिए हमरा देखि न पुई गेले रे बाऊ। हम क्रिया कहे छे हे भगवान हमर बेटा अमर भ जइयो हम कतै कुछ न केलिए हिन। तोरा अमर हेल न कहलियो रे तोरा कहलियो मोर जा जे रे छोरा कल के की बोहर पोटरिया में आ रहे यात्री आबा दे मौगी के तब तोरा पर हम समर बबो पर बियाह करबे न करबो से बो ये तो तोरा हम अपने क्या कले आइबे कतो से झाड़ू समर बर कबे हमरा झाड़ू से मारत तोरा अगरबत्ती देखे तो अगरबत्ती हमरा सखनी जीत तो अगरी तो जवाने छियो तयो की बुझे छी ठीक है यार से तुम चले जाओ जाओ चल ना ख्याल है चल हमारे चल जल्दी अभी हां चल जल्दी आइए रे बाऊ मैयो हमरा भूखा के जान मार दल के चल गया चल मदा कतिल खराब कर छी चल आबे छी जल्दी आइए रे सुगा जल्दी आइए हां हां आ रहल छी रे बाऊ ए कनीटा तहु खा लियो पानी पिया दो पानी आजा पिया दे छी बोतल में छै नै छै छै कहां छै बोतल वार में हे महा चाची अब सुन ले भूलाए सुकुमार एक बेर ये जो चाची जी बेटा सा रे मर शरीर बेटाई शर्मा।
बाबू स्कूल से तू पढ़ के आया है, पढ़ाई उड़ाई ठीक ढंग से चल रहा था ना? हाँ चाची, कोई चीज की दिक्कत कोई चीज की कमी तो नहीं पड़ी? हाँ नहीं चाची, कोई चीज का तकलीफ हमको नहीं हुआ है। लेकिन एक बात की आश्चर्य हो रही है मुझे। क्या चाची? हेलो यही ना बाबू, ये चाची ना जाए को भी लेके आना चाहिए था। दोनों भाई मिलकर आते, दोनों से मैं मुलाकात कर लेती, फिर तो उन दोनों स्कूल चले जाते। लेकिन तू अकेला आया है, अमरजीत को मैं नहीं देख रही हूँ। दुलारा है मारा लगे ला। क्या बोला तू? मोहब्बत माता चाची Yeah.
अच्छी भाई तू मिया हमेशा बाबू रे क्या करा पर चीये बाबू बाबू मिया बेटा बानी रहबा चाची तोहरा के यचा मैया मैया कहबा चाची है हमें तोहरा चाचा जी से यचा सारे लोगों साले चाची जी पूछ ले चाचा जी अगर तुझे हिंदल से ये सब दुर्घटना कैसे हुआ ये सारे बात मैं तो सोच रही थी मेरे बेटा स्कूल में पढ़ रहा है हेलो ये सारे बात तुम जाकर के चाचा जी को पूछो सारे बात हेलो हाँ मैं क्या करूंगी सारी दुनिया गुजर गई मेरी आंखों की तारा चला गया मैं किसके सारा जीऊंगी रे कथिले पोसली बाप दुलारा के हेलो हेलो कामो पासवान कामर के चाबी लाकर जल्दी आओ कामर का सफाई उसमें से छुड़ा है ते छोड़ के भागा ले बाबू या मर्ची सारे बीरा ताना पूछी है चाचा जी से यचा सारे बीरे पाना कहते चाचा तो हरा का चाहिए
करवाया उसने, मुझे क्या पता कि मेरे ही जीवन में जहर डाल देगी। परमात्मा मुझे दो चार बेटा देता तो मैं एक बेटा चला गया, तो दूसरे तीसरे को देखकर मैंने संतोष पा लिया।
संसार में कितना मांगा चंगा हुआ एक बेटा संतान था। कैसा पिताजी है कि अपने हाथों से उसे हत्या करने में थोड़ी सी दिल में दर्द नहीं आया। किस इंसान को ये शकल दिखाइएगा? क्या करता मुझसे झूठ मूठ के बहाना बना करके मुझसे सत करवा ला। सारी दिन तो उसी की सारा पर चलते रह गए, जंगल में रहते रहते जानवर बन गए। अब तुम भी मेरे से दूर जाएगी तो मैं किसके सहारा जी? मैं दूर तो चली जाऊंगी सदा के लिए, कि मैं किसको देख कर रहूंगी? निपुत्र बन के मैं जियूंगी, बाकी मुझे लोग कहेगी मैं बर्दाश्त करूंगी। बाबू है सुन ले इना तला रे बाबू रे मो आजा सुन गाना मा बाबू ओ चाची ना चाची चाचा जी आप चले जाइए, हम चाची को समझा बुझा करके किसी तरह से बुझा देते हैं। मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। चाची हाँ बाबू, मैं दिल की बात बताने के लिए जा रहा हूं। जब अपना जान का जलवा हुआ बेटा को चाचा ने अपने हाथ से कत्ल कर दिया। सही बोल रहे थे। हो सकता है कोई गलती हमसे किसी रोज हो जाएगा, चाचा मुझे जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। इससे अच्छा है चाचा का दिया हुआ ये वस्त्र खोल दो तू अपने हाथ से, हम ये दरबार में छोड़ करके, और तुम भी चलना है तो चल मेरे साथ, तुझे मांग करके खिलाऊंगा, या तुम रहेगी तो तुम्हें मेरी माँ जिंदा बचने के लिए नहीं देगी। तुम्हारी सारा मैं जीऊंगी, मैं तुझे माँ की समान मानेंगी। चल शेर जब आदम खोक हो जाता है तो इंसान पर वार करने लगता है, कोई गारंटी इन लोग का नहीं है, मुझे भी मार कर ये लोग खा जाएगा। चल जहाँ जाएंगे वहाँ तुमको भी साथ समय लेकर के जाएंगे। चलो बाबू मैं तुम्हें सारा जीऊंगी मैं। चलो दुलरवा बाबू मोहती से जिंदगी बीतई भैया मैं कोनो दुनिया चलो चलो दुर्गा माँ के अनुकूल विकट किला तो आ गए हैं, लेकिन इस दरबार में कोई है कहाँ? कुछ पल इंतजार करते ही देखते कौन आते हैं। माता है गे
रखी है धियाना माता गे आई गे से दिखाई नहीं देता है तुमको सो जा फिर हमें बोल रहा है कता है लेने चलते हैं इधर देख रहे हैं इधर टकराएगा नहीं ए कता है लेने इना कता है लेने हाँ यहाँ आए हैं भोजन करने के लिए भोजन हाँ भिक्षा मांगते मांगते बहुत दूर से आए हैं कहीं नहीं मिला है ये कौन सी जगह है हाँ ये बिकट राजा है अच्छा बिकट किला है ना हाँ और यहाँ का राजा कौन है बिकट सिंह बिकट सिंह है कौन बिकट सिंह कहाँ आम है अरे बाप है महाराज हम भोजन करने के लिए आए हैं भोजन यार नहीं मिलता हाँ कुछ नहीं राजा कंगाल है क्या है कुछ नहीं मिलता है क्या बात राजा के पास कुछ नहीं है खाना कुछ हो ना अली कता ही नहीं भिक्षा मांगने के लिए आए हैं आधा खाया अगला नहीं मिले अच्छा खाना नहीं मिलता अच्छा मंत्री का हाथ दे छु हाँ हाँ इगर मंत्री से हमें मिलवा दीजिए अरे 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 सुन ना यार दिया हो हमार कर छाप कर हो राजा तोरा मंत्री जी अनंद्रो
अरे बेहुदा, ऐसे प्रणाम किया जाता है? तब कैसे करता? प्रणाम करने का तरीका तुम नहीं जानते? अगर कहीं किसी देश से कोई राजा महाराजा कोई भी आए तो उसको ऐसे प्रणाम किया जाता है। खुश रहो, खुश रहो। बेहुदा हम इसको सिखाते हैं, ये हमको बोलता है खुश रहो। क्या बात है रे? सीख लिया है। क्या बात ना? बोलो महाराज। आप अपना दरबार में इज्जत हो गया है। क्या इज्जत? इज्जत अनहार था, लेकिन आप इज्जत हो गया। क्या अपना दरबार में इज्जत हो गया? हाँ, पांच साल का एक लड़का है। अच्छा, आया है। क्या पांच साल का एक बच्चा आया? बच्चा बच्चा I'm gonna be your light.